फ्राइडे को आपके साथ डिस्कशन की थी, जिसमें हमारा एक काम था कि लोन अकाउंट को एक मैनेज करना था। एक शॉप है जो कि किराए पे इस पे इंस्टॉलमेंट में ईएमआई पे एक प्रोडक्ट सेल करती है, उसी की एक हैंडलिंग का यहाँ पे था डेटा। तो देखिए, इन्होंने बनाया है सबसे पहले लोन नंबर, नेम, कस्टमर डेटा में बनाया है नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट नेम, प्राइजेस, डाउन पेमेंट, फाइनेंस अमाउंट, फाइनेंस चार्ज अपना जोड़ेंगे, टोटल इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट इन द मंथली है क्या सर? नहीं, एनुअल एनुअल है सर, एनुअल 2% तो बहुत कम है यार। पूरा टेस्टिंग के लिए बना के चाहिए। मंथली होना चाहिए क्योंकि ईएमआई पे मंथली ज्यादातर चलती है ना, इसलिए। वो मैंने ईएमआई में मंथली उसको कर दिया होगा सर, 2 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे मंथ, यहाँ पे ईएमआई आ गया आपका, ये आपका अमाउंट रिसीव आ गया, अमाउंट रिसीव नंबर, ईएमआई रिसीव नंबर ऑफ ईएमआई ड्यू एंड ड्यू डेट। तो ड्यू डेट आपने यहाँ पे गलत डाला है सर। नहीं, वो मैंने ऐसे डाला है, जिसने उसने परचेज किया उसके नेक्स्ट मंथ से ईएमआई लगने शुरू होगी। नहीं, ड्यू डेट इट मीन्स कि हर महीने किस तारीख को, उसी तभी तो आप डेटा उठाओगे किससे पैसा लेना है किससे पैसा नहीं लेना है। नहीं, मैंने इंडिविजुअल कस्टमर का ड्यू डेट बनाया हुआ है। आपने तो ड्यू डेट तो एक ही महीने का लगाया ना आपने यहाँ पे। नहीं, वो तो अलग चीज में है सर, जैसे ईएमआई एंट्री करेंगे ना तो नेक्स्ट ड्यू डेट कब आ रहा है वो वहां दिखाएगा सर। वो तो समझ गया, लेकिन जब आप रिकवरी का खोलेंगे तो चलो ईएमआई पे देखते हैं। ईएमआई की एंट्री यहाँ पे है और ईएमआई में लोन अकाउंट एंटर कर रहे हैं, बाकी डेटा अपने आप आ रहा है, कैश पेमेंट हो रहा है और इंस्टॉलमेंट नंबर है यहाँ पे। सही है, ये बनाया आपने, ठीक बनाया। यहाँ पे नीचे अपना ईएमआई एंट्री करते चले जाएंगे, मंथली ड्यू नंबर, ये ऑप्शन ही बना ना। ये वाला नहीं कर पाया सर। स्टेटमेंट ये प्रोटेक्ट किया हुआ है सर, बाकी अनप्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हो जाएगा वो। ठीक है बना, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको मैं अगर नंबर देना हो तो 100 में से 6 नंबर दूंगा मैं आपको, इसके लिए बुरा मत मानिएगा। वो स्टेटमेंट दूसरा वाला नहीं बना इसलिए। दूसरा बात नहीं, आपने कस्टमर डेटा तो अच्छा बनाया हुआ है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कस्टमर डेटा में आपका ड्यू डेट का गड़बड़ है, क्योंकि ड्यू डेट का गड़बड़ है, इसी कारण से आपने इसको यहाँ नहीं उठ पाया आपका। बात समझ आई? समझ नहीं पाया था इसीलिए नहीं कर पाया सर। हाँ, ड्यू डेट यहाँ पे है ना, ये गड़बड़ हो गई, बाकी सब ठीक ठाक है। कस्टमर डेटा आपका सबसे बेस्ट है। नहीं, सबसे अच्छा इसमें ये ईएमआई एंट्री भी आपका अच्छा है, ईएमआई एंट्री भी आपका अच्छा है, लेकिन वही है कि इस ए गड़बड़ हो गई, ए गड़बड़ होगी तो आपका स्टेटमेंट भी गड़बड़ हो गया, फिर भी इसमें गुड है। लोन गुड, अकाउंट नंबर डाला वो एक्चुअली अपने आप आएगा, जो भी किसी रेट में परचेज करता है हाँ उस दिन वो में आएगा, उसका ही समझ गया नंबर। समझ गया, फिर भी ठीक है, अच्छा है, अभी तक के सबसे अच्छा है, जो लोगों ने दिया है उनमें सबसे अच्छा आपका है। थैंक यू सर। तो आगे चलते हैं, सन्यासी जी का देखता हूँ, वो आपसे बेटर बनाया है कि नहीं बनाया। और फरहान जी क्या हुआ, आप लोगों नहीं भेजे? फरहान जी सर मैं कुछ फंक्शन में मशरूफ था, इस वजह से मैं बनाया ही नहीं। आपकी क्या हाल है? नीरज जी आफ्टर आपका तो सर 2 नंबर भी नहीं दूंगा मैं। सन्यासी जी 10 में से 2 भी नहीं दूंगा मैं। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूं, देखिए। बेसिकली आप उसकी फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, तो बेसिकली मैं डिस्कस करता हूं कि आखिर क्या चाहिए हमें। आखिर हमें चाहिए कि एक सर ऐसा डेटा ये सेशन लीजिए। इम्पोर्टेंट हाँ जी,
सेशन रिकॉर्डिंग के है ना। हाँ रिकॉर्डिंग, हम आपको ये चाहते हैं कि कैसा चाहिए जिसमें हम कस्टमर की मतलब कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ईएमआई पे फाइनेंस कर रहे हैं उसकी मैनेजमेंट कर सके। तो सिंपल सी बात है कि एक हमारे पास डेटा होना चाहिए ना, डेटा होना चाहिए जहां पे कस्टमर की एंट्री कर सके, तो एक डेटा होना चाहिए। ठीक है, डेटा में हमारे पास एक नंबर होना चाहिए जो कि सीरियल मतलब कि कस्टमर आईडी कर देते हैं, कस्टमर आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए। उसके लिए इफ कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, समझ गए प्रेमकांत पांडे जी? आपके फाइल में सिस्टम नहीं है। नहीं, मेरे फाइल में सर दूसरे तरीके से बना हुआ है, कस्टमर आईडी यूनिक होगा वो और ऑटोमेटिक एंट्री होगा सर। वो डालते ही ऑटोमेटिक जनरेट होता है? हाँ सर बिल्कुल, जैसे ही डेट हम डालेंगे हाँ। वो यूनिक आईडी दे लेगा अपने आप। ठीक है सर, और भी ठीक है। तो यूनिक आईडी होना चाहिए, यूनिक आईडी का लिए अलग कर ले, हम सीरियल नंबर 12 कर देते हैं, क्योंकि एक एक आपने जो 10 डिजिट की आईडी बनाया इसे मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आप इस्तेमाल करें तो आप पहले इस चीज को देख ले कि यूज कौन कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यूज करना है उसको जिसको कुछ नहीं आता है। तो आपने इतना लंबा 10 डिजिट का यूनिक आईडी दे दिया, आपने कॉपी किया किसको? कॉर्पोरेट को। तो उन लोगों का तो यही होता है कि उनसे मैच होता है, क्या बोलते हैं, बैंक से और आईएफएससी कोड से मैच होता है, आईबीआरसी से नंबर है, लेकिन यहां पे हम उनको फॉलो क्यों करें पहले बताइए। कस्टमर ना अपना आईडी याद कर पाएगा ना कस्टमर की आईडी दुकानदार याद कर पाएगा। बात समझ में आया सर? इसलिए मैंने आपको बोला नहीं डेट, किस डेट को सेल हुआ है, परचेज सेल डेट, या फिर सेल डेट के लिए आप लिख दीजिए सेल डेट, उसके बाद नेम, नेम के बाद एड्रेस, सिटी और पिन। पिन नंबर डालना जरूरी है यहाँ पे ताकि कलेक्शंस में बांट सकूं मैं। पिन हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल करना चाहे तो ईमेल कर दीजिए, एक रेफरेंस, रेफरेंस या जरूरी भी नहीं है या डाल भी सकते हो, मैं डाल दिए चलिए रेफरेंस, मतलब कि एक रेफरेंस का नाम होना चाहिए ताकि अगर नंबर नहीं चल रहा है तो मुझसे पूछ लो। ठीक है, ये तो पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गए। देन प्रोडक्ट पीआईडी, प्रोडक्ट की कोड, प्रोडक्ट कोड देने से फायदा हुआ क्योंकि डेट में इन्वेंट्री मैनेज कर सकता हूं मैं, इसलिए पीआईडी कर दूं। फिलहाल तो इन्वेंट्री नहीं करना लेकिन इन फ्यूचर में इन्वेंट्री मैनेज कर सकूं। ऐसे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेम, इसकी एमआरपी, ठीक है एमआरपी आ गई, अगर कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, इसके बाद सेलिंग प्राइस, सेलिंग अमाउंट, डाउन पेमेंट और नॉन पेमेंट हो गया, लोन अमाउंट, उसके बाद लोन अमाउंट हो गया, उसके बाद चार्ज, कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज है एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा, एंड टोटल, टोटल लोन अमाउंट। ठीक है, उसके बाद रेट मंथली होना चाहिए क्योंकि मंथली होता है सही रहेगा रेट, उसके बाद मंथ, कितने मंथ के लिए है, उसके बाद टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट एंड ईएमआई और कंट्रीब्यूट टोटल में टोटल अमाउंट यहाँ पे इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट हम से लेंगे एंड ईएमआई, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होंगे राइट, फाइनेंशियल में अमाउंट होंगे ना। उसके बाद आता है डिपॉजिट की टोटल डिपॉजिट, नंबर ऑफ ईएमआईज डिपॉजिट, EMI डिपॉजिट,
ठीक है, बैलेंस अमाउंट अमाउंट और जब ये डेटाबेस बनाए ना तो इसे ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश करें ताकि आगे चल के इसका यूज हम किसी और चीज पे भी कर सकें। ठीक है, बैलेंस ईएमआई ड्यू डेट एंड स्टेटस। ठीक है, अब चलिए इसमें ये लगाते हैं, तो उन्होंने फॉर्मा लगा दिया, नीचे तक ड्रैग कर देता हूं। कौन मुझे मैसेज कर रहा है, इतना बड़ा मैसेज खड़ा कर खड़ा कर दिया। एक मिनट, मैं गलत गलत कर दिया, अभी यहाँ गलत कर दिया, मुझे इसको लेना था ना नीचे था। और दूसरा है कि डेट को डेट फॉर्मेट में कर चेंज कर दो ताकि डेट हो जाए, नेम सिटी पिन मोबाइल ईमेल रेफरेंस नंबर मोबाइल आईडी नेम एमआरपी डिस्काउंट सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट एमआरपी माइनस डिस्काउंट राइट, डाउन पेमेंट लोन अमाउंट सेल्स अमाउंट माइनस डाउन पेमेंट चार्ज टोटल लोन अमाउंट प्लस चार्ज रेट, मान लीजिए हम 2% रेट के लिए आप इसको परसेंटेज में डाल देते हैं ताकि परसेंटेज होगा, यहाँ पे 2% में दे दिया राइट, मंथ अरे परसेंटेज में डाला, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज कर दिया ना रेट परसेंटेज में, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज हाँ हो गया। लोन अमाउंट, अब यहां बात आती है लोन लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट कितना हुआ, मतलब टोटल अमाउंट मतलब कि विथ इंटरेस्ट कितना हुआ, विथ इंटरेस्ट कितना हुआ, तो इसके लिए हम यहां कर देंगे फॉर्मूला पीवी का, पीवी या कोई और कैलकुलेशन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं पीवी में फ्यूचर अमाउंट कम कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारा लोन अमाउंट कहा गया, हाँ टोटल लोन अमाउंट रेट कॉमा टाइम कॉमा पीवी हमारा लोन अमाउंट, ये हमारा आ जाएगा, ये माइनस में आएगा तो इसको हम एवीएस में कर देते हैं ताकि प्लस में हो जाए। सर पीवी क्या है यहाँ पर, पीवी प्रेजेंट वैल्यू, फिर आता है हाँ प्रेजेंट वैल्यू देना पड़ेगा, लोन कितना का लोन हो रहा है तभी तो निकालेगा फ्यूचर वैल्यू, फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए सिंपल हम कर देते हैं टोटल लोन अमाउंट माइनस इंटरेस्ट ये हो जाएगा टोटल लोन अमाउंट माइनस जितना पे लोन हुआ है, और ईएमआई के लिए हम पीएमटी का फॉर्मूला लगाएंगे, पीएमटी रेट कॉमा एनपीआर कॉमा पीवी, पीवी ने डाल के मैं एफ बी कर देता हूँ सही रहेगा फ्यूचर में, और जैसे कि एग्जांपल एक एक एंट्री कर देते हैं, डेट मान लीजिए आज का, नेम मान लीजिए मैं पूजा, एड्रेस दिल्ली सिटी दिल्ली, पिन नंबर 11001062 और मोबाइल नंबर 9968484877, ईमेल आईडी मैंने abc@gmail.com कर दिया, इतना बड़ा डेटा बनाने का टाइम नहीं था, रेफरेंस एबीसी मोबाइल नंबर नहीं 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 कर दिया, पीआईडी 1 है, नेम है मान लीजिए कि टीएफटी, एमआरपी मान लीजिए इसका है 15,000, डिस्काउंट हमने उनको दिया हुआ है 300 मान लीजिए कि 4300 का डिस्काउंट मान लीजिए दे दीजिए हमने, डाउन पेमेंट उन्होंने क्या किया है 5,000 किया है, तो 5,000 ना मान लीजिए कि 3,000 किया है, 3,000 रुपये में चार्ज 200 रुपये का फाइल चार्ज है 2%, यहाँ देखिए और यहाँ पे हम
एबीएस का फॉर्मूला लगा देते हैं ताकि, ठीक है, तो 747 रुपए। तो दिक्कत क्या है, सबसे पहले देखेगा कि 747 रुपए को मल्टीप्लाई बाय मैं 12 करता हूं तो 8964 आ रहा है, लेकिन लोन अमाउंट सर मेरा कितने का है, 10,000 का है ना, क्या सर लोन अमाउंट 10 का है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, जो हमने पीवी फ्यूचर वैल्यू को सिलेक्ट करा था इसको हटा के लोन अमाउंट यहां इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और कम आ गए तो इसको 8964। तो ईएमआई में अब इसमें ईएमआई में दो कर, एक होता है फ्लैट ईएमआई, फ्लैट ईएमआई ने समझे कि आपका टोटल हम इंटरेस्ट जोड़ के फिर उसको हम डिवाइड कर देते हैं 12 से। यहाँ पे समझने वाली बात देखिए, अब बोले इसी कैलकुलेशन में इतना अंतर क्यों है, अंतर इसलिए है क्योंकि अगर आप बात करें कि भाई हमें 10,000 रुपये हमारा लोन हमारा होने वाला है, तो यहाँ से 790 का लोन हमें होने वाला है और हम बात नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं 10,019 रुपये पड़ रहा है, जब हमें ई एम आई निकाल रहे हैं 747 पड़ रहा है, लेकिन ई एम आई को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 896425 पड़ रहा है, तो घाटा हो गया ना, क्या सर। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईएमआई जो है चक्रवृद्धि ब्याज होता है, 7900 हुआ तो अगर इसकी एक महीने का अगर 2% हम लेते हैं तो 2% मतलब कि 158 रुपया हुआ, तो मंथ के अंत में ये 8058 रुपया होगा। 747 रुपये हम जमा कर देंगे तो अगले महीने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा 747 को माइनस करके, और एक कंटिन्यू 12 महीने तक चलेगा, तो ऑब्वियसली आपका हर बार प्रिंसिपल कम होता जाएगा, लेकिन इस केस पे चलेगा ना, हाँ, लेकिन इस केस में जो है आपका नहीं होगा क्योंकि इस केस में तो प्रिंसिपल आपका बढ़ता जाएगा ना। तो जो कुछ फाइनेंस जो प्राइवेट फाइनेंशियर है वो क्या करते हैं कि ए पीवी का फॉर्मूला लगा के और वो डिवाइड बाई आपका मंथ जो है वो कर देते हैं और फिर उसको राउंड अप कर देते हैं, समझे। और कुछ फाइनेंशियल जो बैंक वगैरह है वो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तो आप जब बनाएंगे तो उससे बात करें कि आप किस प्रोसीजर को फॉलो करवा रहे हैं, समझे, समझ में आएगा आपको। अब ये हमारा ईएमआई कैलकुलेशन हो गया, यहां तक हमारा डेटाबेस क्रिएशन हो गई, अब बात करते हैं ईएमआई। क्या बोल रहे हैं, या पीवी लिखा है, कहां पीवी, तो बोल रहा हूं यहां पे आपने फॉर्मूला लिखा है, यहां पे वी में जो भी ईएमआई जमा करते हो मेरे प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे ईएमआई निकालने के लिए पीएमटी का फॉर्मूला है, तो बैंक्स जो है पीएमटी का, इसी तो लोग बैंक से फाइनेंस करवाने के लिए क्यों चाहते हैं, क्योंकि बैंक्स पीएमटी अकॉर्डिंग चलता है, फाइनेंशियल आपके एफबी का अकॉर्डिंग चलता है, समझे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट इसमें आता है, ये है हमारा ईएमआई। भाई ईएमआई की कैलकुलेशन कैसे करें, तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस नंबर जनरेट करेंगे ईएमआई के लिए ताकि हम इसमें रिलेशनशिप आगे चल के कर सकें, क्योंकि हर डेटा में एक यूनिक आईडी होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि आईडी
एंड डेट, सी आई कस्टमर आई डी एंड डेट, कस्टमर सी आई डी एंड डेट, दो एंट्री हो गए। और ए जो है जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है वो सेम चीज आप यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, जो हमने ये लगाया ना मैक्स वाला फॉर्मूला वो सेम चीज आप यहाँ लगा दीजिए ताकि ऑटोमेटिक डिफरेंस क्रिएट होता रहे। और सी आई डी डेट, ठीक है, रेफरेंस नंबर यहां मत डालिए, इसका दूसरा तरीका रेफरेंस नंबर डाल दीजिए, सीआईडी डेट, और उसके बाद आप कस्टमर की डिटेल्स की इसकी एड्रेस, सिटी एड्रेस, कस्टमर का नेम हो जाएगा, उसका मोबाइल नंबर, बाकी डिटेल आने की क्या जरूरत है, और इसका प्रोडक्ट दे दीजिए कौन सा प्रोडक्ट इसने लिया है और कितना इसका ईएमआई है, बाकी डिटेल देने की जरूरत नहीं, और इसका ड्यू डेट क्या है ये हम यहां पर डाल देते हैं। बाकी क्या करना लेंगे, बाकी डिटेल है हमारे पास, ड्यू डेट के लिए हमने लगा नहीं, ड्यू डेट के लिए जस्ट इसमें डी निकाल दीजिए और आपका लोन डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, जस्ट आपको क्या करना है उसका डी निकालना है। अब ईएमआई में हम यहां पे क्या कर रहे हो आपने, जस्ट डे का फॉर्मा लगा दिया मैंने, जो लोन डेट है इसमें से दो तारीख, तो हर महीने की दो तारीख उसकी ड्यू डेट होगी, या फिर ड्यू डेट अगर कोई फिक्स रखना चाहते हो 26 तारीख हमारा फिक्स है ड्यू डेट तो वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन ऐसा कम होता है। अब यहां पे हम सी आई डी और डेट तो मैनुअल एंट्री करेंगे, बाकी चीज आना चाहिए वी लुकअप के माध्यम से, तो वी लुकअप हमने इसको सेलेक्ट किया और हम डेट पे चले गए सीआईडी और पूरा उठाया था हमने कॉमा 2, 0 और फिर यहां जहां पे मैं 2 लिखा है उस पर मैच लगा देता हूं मैच, और हम मैच में हेडिंग को लुकअप करवा रहे हैं यहां से, और नीचे आगे ड्रैग करने से पहले सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट को हम कंप्लीट करते हैं। और यहां पे इफ एरर, एक दिक्कत है इसमें समझ नहीं आ रहा है, बार बार मेरा मैच कार्ड जो रो नंबर है इसका हट क्यों जाता है डॉलर, ये प्रॉब्लम बार बार होता है, देखा हूँ कैसा, मैं लगाता हूँ याद से लगाता हूँ और हट जाता है, फिर F2 मारेंगे फिर वो हट जाएगा। हो गया, और उसके बाद यहाँ पे EMI सॉरी सबमिटेड अमाउंट सबमिटेड, और यहां पे एक और इंफॉर्मेशन डाल देता हूं, वो है नेक्स्ट EMI, यहां पे नेक्स्ट EMI, जैसे कोई कम दिया उसके लिए अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा टोटल। टोटल अमाउंट सबमिटेड तो इसमें अब बात आती है कि यहां जो हमने टोटल अमाउंट सबमिट किया, जैसे मान लीजिए कि मैंने ईएमआई में रेफरेंस नंबर 1 डिटेल आ गया, डेट मान लीजिए पिछले महीने हुआ था, या अभी जनवरी का कर देता हूँ मैं, एक जैन 2017 का, तो मैं 2 जैन को दिया 835 रुपये 835। तो नेक्स्ट EMI कितनी होनी चाहिए, तो यहां पे कंडीशन ला पड़ेगा कि इफ कि अगर ए माइनस ए दोनों को माइनस करने पे अगर वो
इक्वल टू जीरो है तो नेक्स्ट ईएमआई इतनी होनी चाहिए, अदरवाइज इस ईएमआई में प्लस होना हो जाना चाहिए दैट माइनस दैट, समझे? मतलब कि अगर सर रिपीट, मैं बता रहा हूं जैसे कि 835 रुपए था मेरे पास, क्या था 35 रुपए खुले नहीं थे तो मैं 800 जमा कर दिया, तो अगले महीने 870 रुपए की ईएमआई जमा करनी पड़ेगी, ठीक है सर? समझे? तो हमने कंडीशन क्या किया हुआ है, हम बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस अगर जीरो है तो जो ईएमआई है वही शो होगा, नहीं है तो जो डिफरेंस है वो प्लस हो जाएगा, चाहे माइनस नहीं हो या प्लस नहीं, ठीक है? तो ये अब यहां पे दिक्कत क्या है कि शेड्यूल ईएमआई हुआ, और अगर हम इसमें एक और कंडीशन ऐड करें, ये होना चाहिए एज पर लास्ट ईएमआई, समझ गए? एज पर लास्ट ईएमआई कितनी होनी चाहिए, बात समझ में आया? जैसे कि मैं यहां पे अगेन कस्टमर नंबर 1 डाला, एंटर मारा, और ये मेरा 3 मार्च का है, ठीक है? तो 3 मार्च पे यहां पे आना चाहिए कि मुझे 870 रुपए लेने हैं, पिछले महीने कम दिया गया था, बात समझ में आया? तो ये 870 रुपए खुद ब खुद आना चाहिए, तो ये कैसे करेगा? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके लिए सबसे पहले तो मुझे इसको सम इफ लगाना पड़ेगा, कि सम इफ, सम इफ में हमने रेंज दे दिया ए से ए कॉमा, और हमने क्राइटेरिया ए दे दिया, और सम रेंज ये आ गया, ए बताएगा कि अभी तक कितना अमाउंट जमा है, 835 जमा है, और फिर हमने 835 जमा है, फिर हमने इसमें माइनस कर दिया, सेम सामिप करेंगे, सेम कॉपी करते हैं, माइनस पेस्ट हमने ये कर दिया कि भाई ये आपका जो b बाई बी है वो हो जाएगा j बाई जे, जे बाई जे, नहीं सही है, ये गलत हो गया, माइनस पेस्ट ये जो जी वाई जी है ना, जगह जे वाई जी है, एंड प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया, जी आएगी, जी टू कर जाएगी, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है? लेकिन ए इसके ऊपर तक का होगा, इसके लिए यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर तक का होगा, तो गड़बड़ हो गया, बी वन से बी वन, यहाँ पे हमने गलती कर दिया, बी वन से बी वन एंड जी वन से जी वन, और यहाँ भी बी वन से बी वन और जे वन से जे वन, वैल्यू क्या आ गया, रेट को कम कर रहा है ना, इसलिए आ रहा हूँ। हाँ, जी वन पे यहाँ पे एक F4 कर देता हूँ। डॉलर F4
यहाँ पे एफ और यहाँ पे इफ एरर दे देता हूँ, इफ एरर आया समझ में सर? सर रिपीट कर दो इसको, समझ ही नहीं आ रहा क्या है ये। 1870 में हो गया ठीक, मैं बताता हूँ ये हमने भी गलती तो नहीं कर दी है। अच्छा ये यहाँ ये गलती है, 835 क्यों हो गया? सही आ रहा है, दिक्कत नहीं। अभी देख क्या किया ना, मैंने मैंने क्या किया था आपको, इसमें मैंने इसमें ये किया हुआ है कि अभी तक जो अमाउंट जमा होने चाहिए थे, हमने क्या निकाला, हमने दो चीज निकाला। देखिए यहाँ पे हमने बोला कि अभी तक अमाउंट कितना जमा होना चाहिए था और हमारे अभी तक अमाउंट कितना जमा हुआ है, दोनों को माइनस कर दिया, डिफरेंस को हमने ईएमआई में जोड़ दिया, समझे? यस। तो जी थ्री पे जो है सर वो ईएमआई का ऐड करा हुआ है अमाउंट है। हाँ हाँ अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, ये जो बी है बी टू है, ये बी थ्री होना चाहिए। यहाँ पे गलती आ गई, हमने सामने वाले को जोड़ना है ना, ऊपर वाले को थोड़ी जोड़ना है, जोड़ी थोड़ी सीक्वेंस में ही होगा, बी थ्री अब इसको नीचे तक ड्राइव कर दीजिए, सही है, समझ गया सर? अब यहां पे जैसे मैं 870 करूंगा, आ गया नेक्स्ट ईएमआई, देखिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईएमआई 800 रुपए की हो जाएगी। ओके अब नेक्स्ट ईएमआई देखा आपको, नेक्स्ट में दिक्कत हो गई कि 800 रुपए क्यों आया, इसलिए मैंने यहां पे एज पर लास्ट ईएमआई दिया होगा। समझे? अब यहाँ पे कुछ ऐसा एकदम करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे 870 जैसे डाले, यहाँ पे कम हो गया, तो ये फिर इसमें जो हमें निकालना, ये निकालना पड़ेगा कि अब फिर मुझे क्या करना है कि इसमें से प्लस नहीं करना पड़ेगा, ये जो हमने 835 इसको किए हुए हैं, तो मुझे यहाँ इसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर में 870 हो गया, नहीं इसमें एच थ्री इसको कर देते हैं। अब आया सही सर? यहाँ एरर आएगा तो इसके लिए यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला लगेगा। इसके और भी मतलब कि जैसे जैसे एरर आएंगे वैसे वैसे यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। तो ये तो चलिए हमने निकाल लिया इसके अकॉर्डिंग, और टोटल लोन अमाउंट जो हमने लगाया उसमें ये जो ये मेथड है, ये मेथड लगा दीजिए तो पता चलेगा अभी तक कितना अमाउंट जमा हो गया। तो उसके लिए हम सम इफ का इस्तेमाल करेंगे, और हमने ले लिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक और इसको हमने अमाउंट जमा जो हुआ है वो ले लिया, और नीचे ड्रैग करने से पहले हम इसको फ्रीज कर देते हैं F4 से पहले, इसके लिए पहले ठीक है, और नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, तो हमारी ईएमआई सीट भी कंफर्म हो गया। अब डेट सीट पे आते हैं, अब मैं यहां पे कितना ईएमआई अभी तक जमा हुआ है वो डिटेल डाल देता हूं, टोटल डिपॉजिट ईएमआई। तो उसके लिए भी हम सम इफ का इस्तेमाल करेंगे कि सम इफ, और हमने यहाँ ईएमआई पे गए, ईएमआई पे जाने के बाद सीआईडी कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे ए टू और फिर जमा अमाउंट जमा इतना है 11।
तो 1670 रुपये जमा हुआ है। बात आती है कि ईएमआई कितनी जमा हुआ, तो 1670 डिवाइड बाई हम दे देते हैं 833, तो 2 ईएमआई जमा हुआ है। लेकिन इसको मैं कर देता हूँ इंट में, तो जब किसी ने कम जमा किया तो हम पूरा ईएमआई काउंट नहीं करेंगे, समझे। जैसे मान लीजिए कि जमा 870 नहीं हुआ, यहाँ पे 835 ही हुआ है, तो जमा होना चाहिए, जमा 1635 जमा हुआ है, लेकिन जमा कितना होना चाहिए था, 1670 होना चाहिए था, नहीं एक ही दूसरी ईएमआई कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कर दिया। बैलेंस कितना है, तो बैलेंस हम बोल देते हैं कि भाई टोटल अमाउंट माइनस डिपोजिट ये हो गया, तो भाई बैलेंस कितना है। अब बैलेंस ईएमआई कितना है, तो सिंपल सी बात है 12 माइनस ये बैलेंस ईएमआई है। अब स्टेटस, स्टेटस में ये आना चाहिए कि मतलब कि नेगेटिव, मतलब एक रेगुलर आर फोर रेगुलर रेगुलर है, इसके बाद एन फोर नेगेटिव है, नेगेटिव में है, और सी फोर मतलब कि क्या बोलते हैं सी फोर कंप्लीट में कंप्लीट हो चुकी है, तीन स्टेटस चाहिए। मतलब कि एन फोर नेगेटिव मतलब कि इसका जमा जो करना चाहिए तीन ईएमआई जमा करना चाहिए, लेकिन इसका एक ही ईएमआई जमा हुआ है, मतलब कि नेगेटिव में है, रिकवरी में, हार्ड रिकवरी के लिए हम इसको भेजेंगे। दूसरा रेगुलर, भाई इसका रेगुलर ईएमआई जमा हो रहा है, इसकी ईएमआई पेंडिंग ईएमआई इज द जीरो, और सी मतलब कि इसका मतलब कि बैलेंस जो है वो जीरो हो चुका है, मतलब कि कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे यही लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए ये करेंगे हम यहाँ पे, अब इस पे कैसे पता चलेगा कि अभी तक कितना ईएमआई जमा हो जाना चाहिए, क्या ये पता चलना पड़ेगा ना कि अभी तक कितना ईएमआई जमा होना चाहिए। तो उसके लिए हम फॉर्मा लगाएंगे डेटेड, डेटेड इफ का, डेटेड इफ, डेटेड इफ में हम निकालेंगे भैया कि जब से लोन लिया है और आज के डेट तक कितने महीने का गैप है। हाँ देश जी, हाँ जी ठीक हो सर, हाँ कल से करेंगे, हाँ कल से, ओके ओके सर, थैंक यू, फोन कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। चार डिफरेंस है, अब मैं करता हूं कि डायरेक्ट माइनस डिपॉजिट ईएमआई, ठीक है, ये आ गया, नहीं माइनस करना ना, माइनस है, तो ए आ गया 3, समझिए सर, कुछ समझे कि नहीं, कि 3 ईएमआई पेंडिंग है। तो मैं कंडीशन लगाता हूं कि इफ अगर इसका रिजल्ट इक्वल टू 0 है तो ए आएगा रेगुलर, देन इफ पूरा अगेन से मैं कॉपी करता हूं और पेस्ट करता हूं कि अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो आएगा एन नेगेटिव कस्टमर, अदरवाइज सी आएगा, सी नहीं आएगा, सी माफ कीजिएगा, सी कब आएगा, जब हम कंडीशन देंगे इफ बैलेंस इक्वल टू 0 देन सी, समझ गए। बात समझ आया सर, स्टेटस तो हमारा 2 सीट कंप्लीट हो गया। अब तीसरे सीट की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट की फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मैं यहां पे सीआईडी कर देता हूं, सीआईडी, तो यहां पे नेम आ जाना चाहिए, डिटेल्स जो भी डिटेल्स है सारी डिटेल्स यहां उठा लेता हूं, और डिटेल्स को मैं थोड़ा सा ब्रेकअप में डाल देता हूं,
टी ईमेल आईडी रेफरेंस प्रोडक्ट सेलिंग अमाउंट थोड़ा सा आप उसको ये कर दीजिएगा फॉर्मेट कर लीजिएगा ठीक है फॉर्मेट तो कर ही सकते हैं ना आप ये हो गया हमारी लोन डिटेल्स और इसके बाद आ जाएगी हमारी पेमेंट डिटेल्स कैटेगरी वाइज बात किया ना मैंने ऊपर हमारा हो गया कस्टमर पर्सनल डिटेल्स ये हो गया प्रोडक्ट डिटेल्स ये हो गया हमारा लोन डिटेल्स ये है हमारा अमाउंट डिपॉजिट डिटेल्स अब यहां पे मुझे एक काम करना है कि भाई प्लान क्या था प्लान ईएमआई यहां पे सीरियल नंबर डेट डेट और ईएमआई तो यहां पे हम देंगे इक्वल करके हम पहले डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहां पे हम लगाते हैं वन मैन ओनली वन लिख देता हूं और देता हूं कि इफ अगर मैं इसमें ऊपर वाले को प्लस वन करता हूं अगर वो ग्रेटर देन इतना यहां पे मंथ होता है तो ब्लैंक कर दे अदरवाइज ऊपर वाले ने प्लस वन कर दिया पर ये सब लिया था ठीक है ना कस्टमर नंबर वन लिख दिया और मैं यहां पे लगाता हूं वी लुकअप में एक मिनट में यहां से कॉपी कर लेता हूं मैंने सही रहेगा सी कॉपी कर लेता हूं सबसे अच्छा ठीक है और हमारा इसको भी टू को फिनिश कर दीजिए यहां से बस ये करना होगा बाकी अपने आप ले लेगा पेस्ट 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 ठीक है बाकी सब में सेम ही आ गया ना ओके ओके ये इसको हमने फ्रीज नहीं करना चाहिए था अब सही है अच्छा नेम में दिक्कत आ गया यहाँ भी नेम में दिक्कत आएगा क्या नेम में दिक्कत आएगा कि नेम दो जगह हो गया ना यहाँ पी नेम करना पड़ेगा हमें मैच दिक्कत कर रहा है और यहाँ भी हमें पी नेम करना होगा कब आएगा टी एफ टी ठीक है हो गया और मैं यहां दे देता हूं फिर ई डेट लगाता हूं मैं ई डेट और हमने ऊपर वाले को प्लस किया और प्लस कॉमा वन कर दिया डेट आ गया एक फाइव ठीक है और नीचे हम इसको फ्रीज कर देते हैं एफ फोर से और नीचे की तरफ इसको हम ड्रैग कर देते हैं और इसको भी इफ एरर लगाना पड़ेगा यहाँ पे इफ एरर ब्लैंक कॉमा नीचे ड्रैग करने से पहले इसको फ्रीज करना होगा एफ फोर से
और नीचे की तरफ इसको हम ड्रैग कर देते हैं तो 10। लेकिन यहाँ पे हम जो नीचे इसको ड्रैग कर रहे हैं, अच्छा हमने ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लिया, फ्रीज नहीं करना चाहिए था इसको हमें। लेकिन हमें स्टॉप कर देना है कंडीशन लगा के कि इफ अगर ए इक्वल टू ब्लैंक है तो हमें भी ब्लैंक कर देना होगा। ठीक है, और यहां पे हमें आ जाएगा कि इफ अगर ए इक्वल टू ब्लैंक है तो ब्लैंक, अदरवाइज जो इसकी ईएमआई है, ईएमआई कहां गई, ए, इसको शो करो। ये हो गई हमारी प्लान कि हमने प्लान किया था कि इतना ईएमआई आना चाहिए। और इसमें टोटलिंग आप भी लुकअप लिस्टिंग वाला मेथड्स यहां टोटलिंग कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे आता है हमारा डिपॉजिट। डिपॉजिट इसमें सीरियल नंबर, डेट और ईएमआई, कितनी ईएमआई डिपॉजिट हुई है। तो एक चीज हमें उठाना है कहां से, ईएमआई से। यहां देना है कि इफ इफ मैनुअल में यहां पहले वन लिख देता हूं, तो यहां पे करता हूं कि इफ काउंट इफ COU काउंट इफ, काउंट इफ में हमने रेंज ईएमआई में गया और रेंज ले लिया, हम वन को काउंट करते हैं, वन के जगह पे मुझे देना होगा ए आपका, अगर ए ग्रेटर देन, नहीं यहां पे इसमें प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर है काउंट इफ से तो यहां पे ब्लाइंड करे, अदरवाइज इसमें प्लस वन कर। सेम कंसेप्ट यहां पे, तो मैक्सिमम जो है काउंट इफ से मैंने लिया है इसमें, फिर यहां वन जो हमने किया है फिर वन ये नहीं करना चाहिए मुझे, ये वन यहां से लेना है, ये आपका ऊपर जो है ना, तो ठीक, क्या नाम है, बी टू, बी टू, और नीचे ड्रैग करने से पहले बी टू को फ्रीज कर दीजिए, एफ फोर लगा, फ्रीज हो गया। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, एरर आएगा क्योंकि जितना ईएमआई जमा होगा उतना ही लिस्ट दिखाएगा, तो एरर को रोकने के लिए हम यूज करते हैं इफ एरर का कॉमा ब्लैंक। ये तो आ गया कि जितना ईएमआई जमा रहेगा उतना का लिस्ट आ जाएगा। अब बारी है डेट और बाकी चीज लाने की, तो उसके लिए जो रेफरेंस नंबर हमने खोजा था इसलिए किया था कि रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जिससे पता चलेगा। तो काउंट वाला जो वीलुकअप लिस्टिंग वाला मेथड है यहां पे हम अपनाएंगे। ठीक है, और यहां हम F4 से पहले को फ्रीज कर देते हैं और इसके साथ हम कॉनकैटेनेट करते हैं इसका कस्टमर नंबर को और फिर नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देते हैं। राइट, और यहां पे भी हम सेम वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप में इसके साथ में इसका सीआईडी नंबर लगा के रेफरेंस नंबर बना लेता हूं और ईएमआई में जाता हूं, उसको सेलेक्ट करता हूं, तो फर्स्ट एंड सेकंड वो टू, टू नियर थ्री हो गया, डेट है ना, डेट के लिए थ्री। ठीक है, और नीचे ड्रैग करने से पहले हमें इसको F4 से फ्रीज करना होगा और सेम फॉर्मूला उठा के हम डिपॉजिट में डाल देते हैं डिपॉजिट, और डिपॉजिट के लिए हमें क्या होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करना पड़ेगा, 10। और इफ एरर लगा दीजिए ताकि एरर आने पे दिक्कत, समझ में आया। सर
बोलिए सर के आगे कुछ हो। सर आपने ये अभी थोड़ा देर पहले बोला था कि वीलुकअप से उसकी लिस्टिंग से टोटलिंग कर रही है, वो क्या था सर, किस चीज की टोटलिंग कर रही है, समझ नहीं आया। आपने वीलिस्टिंग का वीलुकअप लिस्टिंग का टॉपिक पढ़ा था? नहीं सर। तो कैसे पता चलेगा, आपने उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी। यहाँ पे आज ही कि टोटल लिखा हुआ, यहाँ भी टोटल लिखा हुआ आना चाहिए ना। ओके सर। तो मैंने वीलुकअप लिस्टिंग में पढ़ाया हुआ है सबको। अब इसमें एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दीजिएगा, व्हेन जब डेट चेंज हो, व्हेन जब इसका ये चेंज हो। अच्छा मुझे ई डेट यहीं से लगाना चाहिए था, ई डेट, और हमने लगाना चाहिए था यहाँ कहा गया डेट, डेट ऑफ ए कॉमा वन, ये तो मैच करेगा ना। समझिए ना कि प्लान क्या था और जमा क्या था, दिस इज द कस्टमर स्टेटमेंट। इसको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, जो कर सकते हैं ना। क्या बोल रहे हैं सर? ठीक है सर, फॉर्मेट कर लेंगे, मेल कर दीजिए कर लेंगे, लेकिन तीसरा शीट तो बनाने ना, नहीं तीसरा शीट है रिकवरी, ये भी आसान है, देख लीजिए रिकवरी को यहां करना है। तो रिकवरी को करने के लिए आप क्या करें, लास्ट में एक रेफरेंस नंबर जनरेट करें, रिकवरी रेफरेंस नंबर आर डैश रेफरेंस नंबर, ठीक है। और सेम हम यहां पे देते हैं काउंट इफ, और काउंट इफ में ड्यू डेट, बिल्कुल लिस्टिंग का मेथड यहां भी काम आएगा, और इसके साथ और पहले वाले को फ्रीज कर दीजिए एफ4 से, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, आ गया। अब रिकवरी शीट में हमें क्या चाहिए, हमें रिकवरी करना है तो क्या लेना चाहिए, हमें नेम एड्रेस पिन कोड मोबाइल ईमेल फ्रेंड्स नंबर, प्रोडक्ट क्या लिया हुआ है, और चाहिए मुझे इसकी ईएमआई की, टोटल ईएमआई कितनी है, टोटल डिपॉजिट कितना हुआ है, बैलेंस कितना है, और ड्यू डेट क्या है। कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं, और यहां पे सीरियल नंबर, और यहां पे हम डी डालेंगे, डी जैसे तो वन। तो यहां पे सबसे पहले हम करेंगे इफ, यहां पे ऊपर यहां भी काउंट इफ लगा दीजिए सही रहेगा, कि काउंट इफ कितनी कितने कैलकुलेट, टोटल यहां पे दे दीजिए टोटल कस्टमर, तो यहां पे इक्वल काउंट इफ, काउंट इफ में हम सिलेक्ट करेंगे कि यहाँ डेटा में, तो डेटा में ड्यू डेट को सिलेक्ट किया कॉमा, रिकवरी में आए हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, तो एक है टोटल, ठीक है, आज के एक तारीख के डेट में। यानी यहाँ पे होगा कि इफ, यहाँ एक से स्टार्ट कर देते हैं सिंपल, इफ अगर इसमें प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर देन है ए, तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाए, अदरवाइज इसमें प्लस वन करे। और नीचे ड्रैग करने से पहले वी कैन फ्रीज एंड देन वी कैन ड्रैग द ड्रॉ, यहाँ तक चलेगा, और एरर आने के चांसेस हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, वीलुकअप। अब तो हो जाएगा ना आपसे ये काम, कि नहीं होगा अभी भी? हाँ आ जाएगा ना। अभी क्या करना है, डेटा में जाना है, इसके बिहाफ से लुकअप उठा लेना है सारा, लेकिन फिर उसके लिए मैच इंडेक्स या ऑफसेट लगेगा, यहां पे देना पड़ेगा आपको ऑफसेट या मैच इंडेक्स देना पड़ेगा, एक बार बना लीजिएगा ना सर, करा दीजिए इसको भी थोड़ा करता हूँ सर।
यार सिंपल है, चलिए मैं लिख रहा हूँ। तो इसके लिए हमें इंडेक्स लगाना, ये लगाना पड़ेगा, ऑफसेट लगा देता हूँ मैं। ऑफसेट, ऑफसेट के अंदर में हम जाएंगे डेटा में, स्टार्टिंग ऑफ डेटा यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब आता है रो, रो में लगाएंगे हम रो में लगाएंगे मैच, मैच मैच में मान लीजिए कि B2, और ढूंढना कहाँ है, तो ढूंढना है हमें यहाँ इसमें कॉमन 0, लेकिन -1 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक कम लेता है ऑफसेट। फिर अगेन मैच, और यहाँ पे हो जाएगा B3, ढूंढना कहाँ है, कॉलन में कॉमा 0, और यहां भी -1, B3 की जगह पे B4 होगा, B4 आना चाहिए आगे, नहीं B2 सही है। अच्छा B2 को ऐसे ही नहीं करना है, B2 को करना है ऐसे ही, माफ कीजिएगा हमने गलती कर दी। इसको सिलेक्ट किया, कॉनकटा ने डैश लगा दिया, अब आएगा नहीं, पूजा आ गया। अब नीचे ड्रैग करने से पहले हमें A1 को फ्रीज करना पड़ेगा, ये सही रहेगा, इसका 5 फ्रीज करना है, इसका 15 फ्रीज करना है, इसको फ्रीज करना है F4 से, उसके बाद B4 का 4 फ्रीज करना है, और इसका 1 फ्रीज करना है, और फिर इस पे इफ एरर लगाना है, ताकि एरर आने पे ब्लैंक आ सके, ठीक है। हाँ एक मिनट, F4 हो गया। अब यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर देते हैं, कंट्रोल आर, ये क्यों नहीं आया, तो वो इधर आ गया, सीरियल नंबर लेना है। सीरियल नंबर लेना था, ओके, मतलब कि हमने यहाँ 5 फिक्स कर दिया, कि ना ये करना चाहिए था ना, हाँ इसलिए यहाँ हो गया। चलिए कंट्रोल आर आ गया, और फिर नीचे कंट्रोल डी जहां तक बेटा है। तो जिसका जिसका 1 तारीख का ड्यू डेट है, वो आ जाएगा। एक और एंट्री हम कर देते हैं यहाँ पे, कस्टमर यहाँ पे एक और, जैसे मान लीजिए कि 2 जनवरी को कोई और परचेज किया, उसका नाम मान लीजिए कि दीपा है, और दो नहीं एक ही करते हैं, सॉरी एक ही करते हैं, दीपा है, देन सेम वैल्यू, बाकी सब डिटेल सेम कर देते हैं। ठीक है, यहां देखिए 2 आ गया ना, पूजा और दीपा बन गया। तो डेटा एंट्री करेगा, EMI करेगा, यहाँ पे कलेक्शन कर सकता है, यहाँ पे रिकवरी कर सकता है, और एक और कुछ और बिलिंग विलिंग का करना है तो भी कर सकते हैं, स्टॉक मेंटेनेंस के भी करना है तो भी कर सकते हैं इसे। तो इसको और अपने हिसाब से आप लोग जाए बारीकी से कीजिएगा। सर ये तो आपने ERP डिजाइन कर दी है सर, क्या करे सर, आदत से लचा। ठीक है, समझ में आ गया ना, ऐसा कुछ बनाने के लिए बोला था मैंने, तो पूरा कोशिश किया सर, लेकिन थोड़ा सा वही कोई बात नहीं सर, होनी चाहिए कोशिश तो किया आपने, कुछ लोग तो कोशिश भी नहीं किए, आपने कोशिश तो किया। हाँ वो सर, और आप ही के कारण मैं बना भी दिया, बना आप लोगों ने 2 आदमी भेजा था, चलो बता देता हूँ, कोई और नहीं भेज, किसी कोई भी नहीं भेजता तो भी टॉपिक स्किप कर देता मैं, इतने सारी जो चीजें हैं आप भूल जाते हैं।
इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्ट किया करो, प्रोजेक्ट करोगे तभी तो मैं उस प्रोजेक्ट को अपना